नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक ठक्कर। आज बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के बारे में। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही प्रेशियस एंड इन्फॉर्मेटिव है फॉर यू एंड योर नियर एंड डियर वंस। मेरा एक सजेशन है, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरी में जरूर रखिएगा, ताकि सही वक्त पर आप किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लेट्स हेल्प ईच अदर टू ग्रो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ सवाल है, जवाब दीजिएगा। व्हाट इज योर एज? नंबर टू, इज योर फ्यूचर सिक्योर्ड? इफ यस, what are your investment plans? Do you know what is inflation? चलो एक काम करते हैं, आज inflation से start करते हैं। So friends, inflation is decline of purchasing power of your money. Simple शब्दों में महंगाई। जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले 100 रुपीज में हम जो चीजें खरीद सकते थे, क्या आज भी वो सारी चीजें 100 रुपीज में मिलेगी? नहीं, बिकॉज पिछले 10 सालों में उस 100 रुपीज की वैल्यू घटती जा रही है, डिक्लाइन हो रही है। दिस इज इन्फ्लेशन, महंगाई। ये तो बात हो गई 10 साल पहले की। क्या आप जानना चाहते हैं 10 साल बाद हमारे पैसे की, आपके और मेरे पैसे की क्या वैल्यू होगी? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट। लेट्स डू अ कैलकुलेशन वर्थ 1 लाख रुपीज इन फ्यूचर एट द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8%। 2018 में हमारे जो 1 लाख रुपीज है, आने वाले 10 सालों में 2028 में सिर्फ 44,000 रह जाएंगे। इट इज मोर देन 50% कट एट द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8%। लेट मी टेल यू, इंडियाज इन्फ्लेशन रेट इज नियर 6%। नाउ लेट्स गो टू 2038। आफ्टर 20 इयर्स, द 1 लाख रुपीज अमाउंट विल रिमेन ओनली 20,000। दिस इज इन्फ्लेशन, decline of purchasing power of our money. Why do we need money? Money cannot buy a happiness, ऐसा कहते हैं ना, but it can buy a safety and security of you and your loved ones. किसी का retirement बहुत जरूरी होता है, अपना future जरूरी होता है, तो किसी को अपने बच्चे के higher education को अच्छा करवाना हो। Everybody's needs are different, but to achieve a financial goal, you need a power of money. तो अब बात करते हैं cost of living. आपके घर का monthly expense कितना है? ये सभी के lifestyle के हिसाब से vary करता है. For an example, मैं 35,000 रुपीस लेता हूँ, तो आज से 20 साल बाद हमें कितना monthly expense लगेगा? एक मेरे पास tool है. Let's have a look on this. Let us assume the current cost of living at rupees 35,000 per month. India's inflation rate is at 6% per year. Let's see after 20 years what will be the future cost of living. Can you see the huge difference? The future cost of living will be more than 1 lakh rupees per month. Are you ready for this? Please note, the link for this calculator is available in the description. So you can accordingly put your current cost of living and calculate your future cost as per the India's inflation rate. Now tell me, is your future secured? क्या आपका ऐसा कोई investment plan है जो 20 साल बाद के हमारे expense को beat कर सकता है? I have a plan. Let's see this chart to know आपको कहाँ invest करना चाहिए to meet these returns in future. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, 1999 से लेके 2019 तक अगर हमने किसी भी इस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो हमारे रिटर्न्स कितने होते? इनिशियली हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपीस रखा है। सबसे पहले हम 10 इयर्स के रिटर्न देखेंगे, जिसमें क्लियर विनर है इक्विटी, जिसने हमें 5 टाइम्स का रिटर्न दे दिया है।
बट अगर हम 15 इयर्स में आके देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट उसने भी हमें 5 टाइम्स रिटर्न दे दिया है। 15 इयर्स के अंदर जो विनर आ रहा है दैट इज ऑल्सो इक्विटी जिसने हमें 10 टाइम्स रिटर्न दिए है। नाउ लेट्स गो टू 20 इयर्स टाइम फ्रेम। 20 इयर्स टाइम फ्रेम में फर्स्ट हमें रियल एस्टेट ने 10 टाइम्स रिटर्न दिए है एंड इस 20 इयर्स के टाइम होराइजन में हमें इक्विटी ने मोर देन 25 टाइम्स रिटर्न दिए है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो 5.97% था। नाउ लेट्स गो टू अनदर स्क्रीन जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को वेरी क्लियरली देख सकते हैं। गूगल पर जैसे ही हम टाइप करते हैं एम्फी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, सबसे पहले हमारे पास ये वेबसाइट आती है फंड परफॉर्मेंस एम्फी। जैसे ही हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं हम यहाँ पे नाम रीड कर सकते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। हम यहाँ पे कुछ सेटअप्स कर लेंगे, जैसे हम इक्विटी में जा रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है जैसे लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, ई एल एस एस। हम मोस्टली टैक्स सेवर फंड्स होते हैं। हम यहाँ पे मल्टी कैप्स के रिटर्न देख लेते हैं, ये आज की डेट सेट हो गई है और जैसे ही हम इसे सेट करते हैं तो 10 इयर्स के लिए डालने के बाद रेगुलरली अगर हम इसे सेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ फंड्स के हमें नाम मिलेंगे जैसे इन्वेस्टको इंडिया, सुंदरम, ICICI, निपॉन, बरोडा, ITI। आप इन सभी के रिटर्न्स यहाँ पे देखिए 17%, 20%, 16%, 15%। नाउ लेट्स गो टू ELSS। ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग जिनको टैक्स सेवर्स बॉन्ड्स या स्कीम्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जब हम इसके रेगुलर बेंचमार्क को सेट करते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी फंड्स मिलते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स, एडवांटेज फंड, IDFC, टैक्स सेवर, DSP, इन्वेस्टको, इन सब के आप रिटर्न्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके अपने फंड के बारे में भी जान सकते हैं। चलो देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की। म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP पर मंथ या लमसम वन टाइम। सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे गोल सेट करने होंगे, आफ्टर 20 इयर्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप 46 लाख रुपीस के अराउंड रिक्वायरमेंट अगर अपनी रखते हैं तो सिर्फ 5000 रुपीस पर मंथ एंड नियर अराउंड 5 लाख रुपीस आपको आज ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप आफ्टर 20 इयर्स 92 लाख के अराउंड यानी 1 crore के अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 रुपीस पर मंथ फॉर 20 इयर्स या तो 10 lakh रुपीस वन टाइम। अगर आप एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट चाहते हैं और एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको नियर अराउंड 2 crore रुपीस आफ्टर 20 इयर्स रिटर्न मिले तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 रुपीस पर मंथ होना चाहिए या तो आपको आज ही नियर अराउंड 20 lakh का इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। हियर इज द डिस्क्लेमर, हम अज्यूम कर रहे हैं 12% CAGR इन इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP और द लमसम इन अ म्यूचुअल फंड। दिस इज द पावर ऑफ SIP, म्यूचुअल फंड सही है। लेट मी गिव यू इम्पोर्टेंट फूड फॉर योर थॉट। व्हाई डू यू थिंक अ फाइनेंशियल एडवाइजर इज इम्पोर्टेंट? अ फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट नीड्स एंड ड्राफ्ट्स आउट योर फाइनेंशियल प्लान। ही नोज दैट योर गोल्स नीड्स टू बी स्मार्ट। He helps you to choose the ideal path to be financially fit. In your busy schedule, he regularly monitors your investment and revises your portfolio from time to time. So here we are, Rohit Finvest. We are MTIRDA certified insurance and financial product distributors. We have 25 years of solid experience in financial services and we have more than 2000 clients across the country. Yes, you heard it right. We are associated with NJ India Invest Private Limited and we are the authorized person of ICICI Securities Limited. The products that we offer are stock market, mutual fund, life insurance, loans, general insurance and other services and products too. So what are you waiting for? Contact Mr. Rajkumar Dumpala to avail the best financial plan for you and Team Rohit Finvest will be happy to assist you. Remember, an investment with expertise pays the best returns. अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछा था, व्हाट इज योर एज। रीजन बिहाइंड आस्किंग यू दिस क्वेश्चन वाज टू मेक यू रियलाइज हाउ इन्वेस्टमेंट एट द राइट एज मैटर्स अ लॉट। आइए देखते हैं एग्जांपल हाउ कंपाउंडिंग रिटर्न वर्क्स। लेट अस हैव अ लुक एट द इन्वेस्टमेंट एग्जांपल ऑफ मिस्टर अर्ली एंड मिस्टर लेट। मिस्टर अर्ली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट एज ऑफ 25, whereas Mr. Late started investing at age of 35. Mr. Early invested
10,000 rupees per month. Mr. Late invested 20,000 rupees per month. Mr. Early had to invest for 35 years till he reached the age of retirement. Whereas Mr. Late invested only for 25 years because his retirement was near. And look at the huge difference amount. Mr. Early got more than 5 crore rupees at the time of retirement. Whereas Mr. Late got only 3.40 crore rupees at the time of his retirement. Please note, here we are calculating the amount at 12% CAGR in investment through SIP in mutual funds. So this is the power of compounding returns. So dosto, now I believe you have clarity how, when and where to invest your hard-earned money and why you should have mutual fund and SIP in your investment portfolio. अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसे डिटेल में एनालिसिस करूं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।